वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर रक्षो व्लॉग्स में। सो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं सीपी और यहाँ पे तरुण सर हंस रहे हैं। पता नहीं क्या इनको हो गया है। ये देखो, हंसी रुकी नहीं जा रही इनकी। ये खुश है आज क्योंकि बिकॉज चारों को ऑफ एक साथ मिल गया। तो अभी हम टोटल 5 लोग हैं और अभी हमारा प्लान है कि हम मूव कर रहे हैं सीपी को। क्यों करण सर? करण सर हमारे यहाँ डेली के पार्टनर है व्लॉग के। और आज वाले व्लॉग का आपने जैसा कि थंबनेल देखा होगा तो ये थे उस व्लॉग में। तुमने देखा नहीं? देखा था। तो गाइज, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि यार निकल रहे हैं और फ्रेशली एकदम तैयार हो के तो अभी चल रहे हैं सीपी पर। देखते हैं दिन भर क्या करने वाले हम सीन वहाँ। तो वहाँ का सीन देखेंगे जैसा भी रहेगा। तो अभी मिलते हैं। और ये है हमारे संचित सीनियर जो हमसे 2 महीना पहले ट्रेनिंग पे थे। तो इन लोगों की दिसंबर में अभी हम पहुँच गए यार मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से फटाफट मेट्रो पकड़ते हैं, फिर कश्मीरी गेट से इंटरचेंज है, वहाँ से फिर राजीव चौक जाएंगे। और राजीव चौक बहुत ज़्यादा बिजी मेट्रो स्टेशन है तो यार वहाँ वीडियो शायद। और अभी सब लगे हैं मंजिल की ओर को भागने में। ऐसे भाग रहे हैं कि जैसे इनकी ट्रेन छूटने वाली होगी। अरे भाई रुक जाओ, हर 5 मिनट बाद ट्रेन आता है। अरे जब कुछ सुन ही नहीं रहा है, अपना सब हेडफोन डाल के चल रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे सीधा वहीं पर और इंतज़ार करेंगे मेट्रो का। तो अभी तो खाली दिख रहा है, पता नहीं। बोलते हैं कि हर 5 मिनट में मेट्रो चलता रहता है तो मेट्रो आता फिर तक। हेयर वी आर इन मेट्रो और हमारा सफ़र हो चुका है शुरू। और यहाँ पे सब लोग हैं, ये बॉय। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि सीपी जा रहे हैं फटाफट और मेट्रो में बैठ चुके हैं। मानसरोवर से हमने मेट्रो पकड़ ली थी। तो इवन देखते हैं अभी कश्मीरी गेट से हमें लाइन चेंज करनी है। वी जो शुड ट्राई कि हम जल्दी से जल्दी पहुँचें वहाँ पर। और आज सीपी में कितना रश है आपको ये दिखाने वाले हैं कि यार कोरोना काल चलते हुए कितना ज़्यादा रश है। अभी मेट्रो में तो उतना ज़्यादा रश देखा नहीं। तो देखते हैं आएगा सीन कैसा रहता है। तो बने रहिए सफर में। तो गाइस अभी पहुंच गए सीपी पे और काफी ज्यादा रश है यहाँ पे आज बिकॉज संडे है। और सामने भाई चल रहा है मोदी जी का भाषण। जनपद चल रहे हैं, चलो चलो जनपद चल रहे हैं। तो जनपद की और भी आ गए हम जनपद की मार्केट में। और यहाँ मतलब ओवरऑल जितने भी कपड़े हैं तो सब वगैरह मिलते हैं, मतलब बहुत सस्ते रेट पे यार। स्वेटर वगैरह हैं, डैनी नहीं की है ये भाई, कह रहे हैं कि डैनी वहीं की है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी चलते हैं आगे पर। मास्क पहनना मैंडेटरी है यहाँ पर, तो मास्क पहनना पड़ता है यार। तो अभी चलते हैं आगे पे, क्या सीन रहता है देखते हैं। गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम यार यहाँ पे राजीव चौक वाले पार्क पे और सेंट्रल पार्क पे। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे बिकॉज आई थिंक कि संडे है तो इस वजह से ज़्यादा रश होगा। और यहाँ पे एक दिल लगा है तो, और ये हमारे युवा, तो यहाँ पे कुछ हार्ट शेप लगाया तो सब यहाँ पे फ़ोटो एरिया बन रहा है तो सब यहाँ आके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और भाई भीड़ तो बहुत ही है। और यार नीचे पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे, मतलब भीड़ रहती है, रश रहती है संडे वाले दिन, ऐसा बताया मुझे एक साथ वाले ने। तो अभी देखते हैं क्या सीन रहता आएगा। अभी तो फ़िलहाल पार्क वगैरह घूमते हैं फिर देखेंगे। गाइस अभी आए थे हम यहाँ पे सीपी मार्केट में और काफ़ी सारी हमने मस्ती वगैरह करी, पार्क वगैरह गए। उतना कुछ खास तो लगा नहीं यहाँ पे भी बिकॉज यार लास्ट टाइम भी आए थे तो उतना कुछ खास था नहीं। और रश ज़्यादा रहता है संडे को, बस यही फ़र्क है। और अभी जा रहे हैं मेट्रो में, भूख लगी है, नाश्ता वगैरह करते हैं कुछ, फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। और भाई रश तो पूछो मत, दिल्ली में इतनी भीड़ है गाइस, इतनी भीड़ है संडे वाले दिन कि पूछो मत यार। तो चलते हैं अभी फटाफट मेट्रो की ओर। और अभी पहुंच गए गेट नंबर 3 पे, वहीं पे होगी आपसे मुलाकात। घूम लिया था, पहुंच गया मेट्रो स्टेशन पे। अभी चलते हैं सुबह से, कुछ खाया तो नहीं है अभी, कुछ खाना वगैरह खाते हैं। क्यों करण सर इधर तो देखो कहाँ भाग रहे, ये देखो इन्हें भागने की लगी है, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी इसलिए भाग रहे हैं फटाफट। तो अभी मिलते हैं वहीं पे थोड़ा देर बाद। गाइस शाम के बज चुके हैं यार 6:30
है और इस टाइम पे हम आ गए हैं मार्केट में और अभी लग गए थे तो भूख हमने आ गया, छोले भटूरे वगैरह खाते हैं, सबको भूख लग गई थी तो सब जा रहे हैं आगे आगे पे और अभी मार्केट में जा रहे हैं फटाफट भटूरे वगैरह ढूंढते हैं। कहाँ थी, कहाँ है भटूरे वाले की दुकान, कहाँ है ये सब ज़्यादा सब कन्फ्यूज है क्योंकि पता नहीं है। एक भटूरे वाले की दुकान लगती थी यहाँ पे, वो शायद से अभी चले या टाइम हो गया, वो बता रहे थे कि 4:30 बजे चले जाते हैं, तो देखते हैं भटूरे वाले की दुकान मिलती है नहीं मिलती है। आज का मेन टास्क ये है कि अभी भटूरे खाने हैं। हो गया हमें छोले भटूरे ढूंढते ढूंढते और ये परेशान हो चुके हैं कि यार छोले खत्म हो गए, छोटा मार्केट आके नहीं दे रहा, गली खत्म होने को आई है और हनुमान बैस्टेज चर्च भी आ गया। कोई नहीं, अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हनुमान मंदिर के नीचे लगाता है बस छोले भटूरे वाला दुकान। चर्च भी घूम लिया, हनुमान मंदिर घूमने जा रहे हैं, बस एक दुकान मिल गई जिसके लिए हम आधे घंटे तक भटक रहे थे। क्या हुआ, तो इनका मूड फिर से खराब हो चुका है, इनका आउट ऑफ बजट पहुंच चुका है छोला भटूरा। तो अब क्या करना है, मेरे हिसाब से बर्गर खा लेते हैं। बर्गर खाते हैं, बर्गर खाएंगे। बोला हमारा खो जा रहा है बार बार और अभी हम सोच रहे हैं कि हम क्या पहुंच गए हम बर्गर की दुकान पे। एटलीस्ट मतलब घूमते घूमते शाम का डिनर यही है क्या, बर्गर शाम का डिनर बर्गर। चार बर्गर पर पर्सन, चार बर्गर मिल रहे हैं, कितने रुपए के रेट भी बता दो। 10 रुपीज बर्गर, बहुत अच्छी दुकान है, आके देखो झिलमिल में आओगे गुप्ता जी बर्गर पॉइंट, इट्स कॉल्ड झिलमिल। तो झिलमिल गुप्ता जी बर्गर वाले, हम तो इनका नाम ऐसा रख देंगे कुछ। तो अभी बर्गर वगैरह खाते हैं फिर मूव करेंगे। अभी सर जी के लिए गद्दा भी लेना है बोल रहे हैं, क्या बेड लेना है। उसके बाद प्रकाश जी की हम चाउमीन खाएंगे, उसके बाद हम प्रकाश जी की चाउमीन खाएंगे, ऐसा ही ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते क्या होता है। बर्गर आ गया काफी मशक्कत करने के बाद, ये बर्गर की होगी हालत खराब। तो बर्गर वगैरह खाते हैं काफी ज्यादा राशन की दुकान पे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या सीन रहता है। गद्दा कहाँ दिख रहा है, आओ। तो अभी यार इन लोगों का गद्दा ढूंढना है तो गद्दा ढूंढने जा रहे हैं। ये भी इन्होंने भी बड़ा परेशान करके रखा है मेरे को। हाँ भाई क्यों करते हो इतना परेशान, है चल भाई गद्दा पूछते हैं। आओ गद्दा पूछते हैं यहाँ पे क्या रेट मिलेगा। भाई गद्दा मिल जाएगा, पतला मोटा, पतला सा चाहिए, क्या रेट का है, कितने का है, 700-800-900। 400-500 की रेंज में कोई नहीं है, है दादा। गद्दा भी ले लिया इनका, इतने दिन से ये गद्दे के बिना बेचारे परेशान थे। तो अभी जा रहे हैं रूम पे, रूम पे जाके होगी आपसे बातचीत, तो मिलते हैं आपसे वहीं। और यहाँ शाम को यार मार्केट काफ़ी लंबी भीड़ है भाई, काफ़ी ज़्यादा फैली रहती है मार्केट। तो अभी मिलते हैं आपसे रूम पे जाके सीधा।